भारतीय रिजर्व बैंक ने देश की बैंकिंग व्यवस्था के ट्रेंड और प्रोग्रेस को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें कहा गया है कि बैंकों के डूबे कर्ज यानी एनपीए में कमी आई है और सितंबर अंत तक डूबे कर्ज की हिस्सेदारी सिर्फ 6.9% बची है। फौरी तौर पर देखें तो ये आंकड़ा बैंकों की सेहत में सुधार होने की बात कह रहा है और ऐसा लगता है कि देश के बैंक अब एनपीए की तेजी से वसूली कर रहे हैं। लेकिन रिजर्व बैंक की रिपोर्ट को अगर गहराई से देखें तो आंकड़ों की बाजीगरी सामने आती है। इसमें साफ दिख रहा है कि साल भर में बैंकों का एनपीए 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा बढ़ा है और उसके बदले में वसूली 1.25 लाख करोड़ से भी कम है। लेकिन सवाल ये है कि एनपीए में बढ़ोतरी होने और वसूली घटने के बावजूद डूबे कर्ज में कमी कैसे आ गई? इस सवाल का जवाब वो कर्ज है जिसे बैंक ने बट्टे खाते में डाल दिया है यानी राइट ऑफ कर दिया है। रिजर्व बैंक के आंकड़े बताते हैं कि मार्च में समाप्त वित्त वर्ष 2020-21 की जब शुरुआत हुई थी तो बैंकों की बैलेंस शीट में लगभग 7.64 लाख करोड़ एनपीए के साथ खुली। वित्त वर्ष खत्म होने तक उसमें 4 लाख करोड़ से ज्यादा और एनपीए जुड़ गया। हालांकि पूरे साल के दौरान 1.18 लाख करोड़ रुपए की वसूली भी हुई लेकिन 2.08 लाख करोड़ से ज्यादा एनपीए को राइट ऑफ कर दिया गया है यानी साल अंत होते होते कुल एनपीए 8.38 लाख करोड़ रुपए के करीब हो गया। वित्त वर्ष 2019-20 में क्योंकि 8.99 लाख करोड़ एनपीए था ऐसे में कुल एनपीए में 6.9% की गिरावट बताई गई है जबकि असल में एनपीए घटने के बजाय बढ़े हैं। बैंक ने जिस 2.08 लाख करोड़ रुपए के कर्ज को बट्टे खाते में डाला है उसकी वजह से एनपीए में कमी दर्ज हो रही है। बैंक किसी कर्ज को राइट ऑफ या बट्टे खाते में तब डालता है जब उस कर्ज की वसूली की उम्मीद बहुत कम हो जाए। बैंक का जितना भी डूबा कर्ज है उसमें अधिकांश हिस्सेदारी सरकारी बैंकों के कर्ज की ही है। कुल 8.38 लाख करोड़ एनपीए में लगभग 6.17 लाख करोड़ की हिस्सेदारी सरकारी बैंकों की है और 2 लाख करोड़ रुपए निजी बैंकों की। बाकी एनपीए विदेशी बैंकों का है। बैंकों का एनपीए कम होने के पीछे एक और वजह बीते साल मॉरेटोरियम के समय एनपीए नियमों में दी गई छूट भी है। सरकार ने जब बैंकों से मॉरेटोरियम छूट के लिए कहा था तो बैंकों ने सरकार के सामने शर्त रख दी थी कि एसेट क्लासिफिकेशन यानी एनपीए गणना के नियम ना बदले जाएं। रिजर्व बैंक ने बैंकों की बात को माना और उस वजह से एनपीए गणना का आधार नहीं बदला गया जिस वजह से आंकड़ा पिछले साल के मुकाबले कम रहा। लेकिन आगे चलकर क्योंकि पहले जैसे नियमों पर ही एनपीए मापा जाएगा तो पूरी आशंका है कि आगे आने वाले दिनों में बैंकों का एनपीए बढ़ावा दिखेगा। रिजर्व बैंक ने भी इसे भांप लिया और अनुमान लगाया है कि सितंबर 2022 तक बैंकों का एनपीए 8.1% रह सकता है। हालांकि रिजर्व बैंक की रिपोर्ट कई ऐसे तथ्य भी बता रही है जो बैंकिंग व्यवस्था में हो रहे सुधार की तरफ इशारा कर रहे हैं। बैंकिंग व्यवस्था में पहले के मुकाबले ज्यादा क्रेडिट तथा डेबिट कार्ड हो गए हैं, ईटीएम मशीनें भी बढ़ी हैं। इसके अलावा आम जनता की शिकायतों का पहले के मुकाबले ज्यादा तेजी से निपटारा हो रहा है। कृषि क्षेत्र में पहले के मुकाबले ज्यादा कर्ज दिया गया है। इन सब के अलावा 2020-21 के दौरान गैर बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों की वित्तीय सेहत में भी सुधार हुआ है। इस तरह की खबरों के लिए देखते रहिए मनी9 और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।